हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का सीरीज पढ़ेंगे और सीरीज का टोटल जितना भी पार्ट होगा एक प्लेलिस्ट तैयार करके सारे पार्ट को वहाँ पर आपको संग्रहित करके दिया जाएगा। ये सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको अभी फ़िलहाल रेलवे जो एग्ज़ाम पूछ चुका है उस तरह की सीरीज लाया हूँ। आपको उस तरह की सीरीज को कैसे सॉल्व करना है मैं वो आपको करके दिखाऊंगा। आपको अंत तक बने रहना है और छोटे छोटे पार्ट में मैं इसको देता जाऊंगा वीडियो। आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, क्योंकि एग्जाम जब आ जाएगी तो क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछे जाएंगे या इस टाइप के पूछे जाएंगे तो आपका आसानी से बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आज कराएंगे, तो आप लोग धैर्य रखना। अगर आपको मेरा पढ़ाई पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करें और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और नए अगर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सीरीज का देखिए क्या कहता है। सीरीज एक ऐसा चैप्टर है ना कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपका ठीक होगा। आपका सर दर्द है मुझे पता है, आप सोच रहे होंगे, सोचते होंगे कि यही चैप्टर जो है ना बहुत टेंशन करता है। टेंशन नहीं करेगा, हम आपके साथ हैं, बस आप थोड़ा सा हमको साथ दो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, ठीक है। उसके बाद तो हम आपको सारा चीज़ पढ़ाएंगे। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हो कि बहुत फ़ायदा हुआ सर। तो यही क्वेश्चन है, चलो इधर बातें भी कर लिए, क्वेश्चन भी लिख लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात अगर करें तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो मैं बताता हूँ। देखो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका आपको ये सोचना है। सबसे पहला जो सोचोगे ना, क्या सोचोगे, तो पहले जोड़ सोचेंगे कि ये कहीं जोड़ से तो नहीं बढ़ा है। तब अगर जोड़ से ना समझे तो गुना, फिर भाग, इस तरह से सोचा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखो, अगर हम 4 चौक 16 1 17, अब देखो 17 4 चौक किए तो 17 चौके 68 हो रहा है, तो ये तो गुना पे जाएगा नहीं। हम इसको इसको प्लस करके देखते हैं कितना हुआ है प्लस। तो प्लस कैसे करेंगे, 7 में 4 घटा देंगे, क्या होगा 3, ठीक है। बात को समझना, 7 में 4 को घटा दिया 3 और 1, तो हम देखें कि 13 जोड़ा गया है। अगला देखते हैं यहाँ से यहाँ कितना जोड़ा गया है, इसमें पता कर लो। तो आप क्या करोगे, इसमें घटाओगे, 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा 6, 3 में 1 जाएगा कितना बचेगा 2। तो हम समझ गए 13 जोड़ा 26 जोड़ा, इसका मतलब जानते, ये 13 का टेबल पे जोड़ा गया, 13 दूना 26 हो सकता है, आप 13 3 39 जोड़ा हो, ठीक है। आप जोड़ के देखो, 9 3 12 की 2 81 1, 4 3 7 1 8, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग निकाल सकते हैं, 13 3 39 13 6 52, इसमें जोड़ दो आंसर आ जाएगा, 2 2 4 और 8 5 13, 134 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, 134 ए नंबर ऑप्शन है। तो ऐसे बना सकते हो, जोड़ गुना भाग अगर ना इस पे निकले तो आपको स्क्वायर में सोचना है। तो बहुत तरह का, जितना तरह का क्वेश्चन होगा हम आपको A to Z कराएंगे सॉल्व। धैर्य रखो, बने रहो हमारे साथ। अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 22 76 31 91, ये भी क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। 22 76 31 91, अब देखो सबसे पहली बात आपको ये सोचना है कि हमारा जो इसमें है ज़्यादा नज़दीक यानी कि नियरेस्ट कौन है। तो देखो 22 और 31 नियरेस्ट है, तो हमको 22 और 31 में पहले संबंध जोड़ेंगे, जोड़ करके देखेंगे कितना इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। आपको अगर समझ में आया तो क्या बोले थे, इधर से इधर घटा लेना, पता चल जाएगा कितना का डिफरेंस है। तो 11 में 2 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है, और 2 में 2 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 9 का डिफरेंस है। आगे फिर अगर हम इसको बात करें इसी तरह से, यहाँ पर अगर आना होगा तो इसका मतलब हो सकता है इसमें 9 का ही डिफरेंस रहा हो, ठीक है। तो हम 9 इसको जोड़ देंगे, तो 9 और 1 10 की 0 81 हो जाएगा, और 3 1 4 यानी कि ऐसा हो सकता है। एक बात बताओ, अगर 9 का अगर ये डिफरेंस है, समझना बात को हम क्या बोल रहे हैं, 9 का अगर डिफरेंस है तो यहाँ तो 40 हो गया, लेकिन आपका ऑप्शन 40 भी दिया हुआ है और 90 भी दिया है। हाँ, अगर हम 40 यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे 40 मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन क्या ये वाला पैटर्न मेरा सही होगा, देखते हैं। इसको अगर हम यहाँ से यहाँ अगर हम जोड़ते हैं इसको, तो कितने का डिफरेंस है, तो 11 में 6 जाएगा 5 और 8 में 7 जाएगा 1 15 का डिफरेंस है। फिर यहाँ से हमको अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो हमको इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 1 10 की 0 81 9 10 1 11, ठीक है, 5 1 10 की 0 81 9 1 10 1 11, 110 हो रहा है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, 91 15 सॉरी
गलत हो गया, 5 × 6 = 10, 106 हो जाएगा। तो ये तो करना ही नहीं था, यहीं पर आपका आंसर आ गया कि 9 जोड़ने से ही आ गया। तो ऐसे करने से आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, तीसरा नंबर कहता है 6, 11, 27, 51, 123, 171 क्वेश्चन मार्क दिया है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 6, 11, 27, 51, 123, 171 यही क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे बनाएंगे, आप अगर जोड़ के देखोगे 6, 5, 11, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा भाग रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, यहीं से पता चलेगा ये डिफरेंस ज़्यादा है। जब डिफरेंस ज़्यादा होना तब हो सकता है आपका गुना में चले या स्क्वायर में चले, ऐसा सोचना है। अगर हम गुना में करते 6 × 12 − 1 = 11 होता है, 11 × 22 अब हुआ नहीं, 11 × 33 ज़्यादा हो रहा है, तो गुना में भी नहीं चला, तब स्क्वायर में सोचो। स्क्वायर में क्या सोचो, हो सकता है ये 2 का स्क्वायर + 2 करते हैं तो क्या होता है 6 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आते हैं हम, या 3 का स्क्वायर + 2 करते हैं तब 11 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 = 11, ठीक है। अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखो तो क्या होता है, 4 का स्क्वायर में 16 और 4 जोड़ते 20 होता है, 4 में नहीं हो रहा, इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर + 2 करते हैं तो 25 × 2 = 27 मिल गया। इसका मतलब हमको ये समझ में आना चाहिए कि 2 है, 3 है, 5 है, ये आखिर 2 से क्या स्टार्ट होता है, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर 2 हुआ, इसका मतलब अगला जो होगा ना वो 7 का स्क्वायर + 2 होगा, 77 × 49 = 251। अगला जो होगा ना, अब देखो 2, 3, 5, 7 के बाद अगला 8, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 होगा, 11 का स्क्वायर + 2। अब ये 2, 3, 5, 7, 11 ये क्या चीज़ है, अभी जस्ट बताया प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, अभी अभाज्य संख्या पूरा बता देंगे आपको, याद रखना रख लेना। 11 × 2 = 22, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा और 2 = 23। अगला जो होगा ना 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर + 2, ठीक है, यही होगा 13 का स्क्वायर 169, 2 = 71। तो 13 के बाद क्या होता है, अगला जो आपका अभाज्य संख्या होगा 13 के बाद क्या होगा, 11 × 13 = 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर + 2 जोड़ोगे तो 17 का स्क्वायर 289 और 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 291। तो 291 आपका आंसर है कि नहीं है, 291 है कि नहीं, डी नंबर। तो ऐसे बनाया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर सवाल। इसी तरह से देखिए सारा क्वेश्चन हम आपको इसी तरह से बताते जाएंगे, आप टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन बात है प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बताता है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 25, 62, 123, 214। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 6, 25, 62, 123, 214 क्या होगा बताओ, आप खुद सोचो इसका आंसर क्या निकालोगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बनाने का सबसे पहला रूल, आप देख रहे हो कि ये अलग ही अलग है, कोई अपना कोई सेंस इधर से नहीं चल रहा है, 62 है, 123 है, 214 है, मतलब कि डिफरेंस देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भाग रहा है, इसका मतलब हम समझेंगे कि ना स्क्वायर क्यूब का ही कुछ रूल चला होगा, ठीक है। अगर हम 6 का करते हैं तो आप कहोगे कि सर 2 का स्क्वायर 4 और 2 = 6, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 कितना भाग रहा है, तो हम इसको क्यूब में सोचेंगे, हमको समझ में आना चाहिए कि नहीं लगता है क्यूब में आइए, 2 का क्यूब कितना होता है 8 − 2 = 6 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर अगर आते हैं तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 − 2 करते हैं तो क्या होता है 25। अब आपको थोड़ा थोड़ा लग गया होगा कि हाँ सही जा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते ना आपको समझ में आ जाएगा, और टेंशन मत लो, कराएंगे मतलब कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत अच्छे से सारा चीज बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64 − 2 = 62, 2, 3, 4 अगला क्या हो जाएगा 5 का क्यूब कर लो अब −2 कर दो कितना हो जाएगा 125 में 2 जाएगा, अगला आपको समझ में आया 5 के बाद क्या होता है भाई 6 का क्यू करना होगा, ठीक है, 6 का क्यू और −2 करोगे ना तो 6 × 36 = 216 और −2 = 214। अब हमको करना है 6 के बाद यहाँ पर जो लिखेंगे ना वहाँ 7 का क्यू और −2, 7 का क्यू 343 और −2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 341 आंसर होगा, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये तो 4 नंबर था, चलिए 5 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, 2, 5, 9, 19।
देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, 2, 5, 9 और 19, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल सा लैंग्वेज में करो, देखो ध्यान से, ये गुना का रूल में चल रहा है, 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 1, देखो ध्यान से, इसको अगर गुना करते हैं 2 दुना 4 प्लस 1 5, इसको गुना करो तो देखो 5 दुना 10 और माइनस 1 करने से 9 मिल जाता है, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 9 दुना 18 प्लस 1, इसको गुना कर दो उसी तरह से, गुना 2 और माइनस 1, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, तो 19 दुना 38 माइनस 1 कितना लिखोगे, सही 30 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 37 सी नंबर, ठीक है, सारे क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह अभ्यास करते रहना, हम बहुत सारा भी बताएंगे अगला, और टेलीग्राम में हम पीडीएफ बहुत जल्द आप लोग को भेज देंगे, वहां से ले लेना। सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस सर्च करो या फिर डिस्क्रिप्शन में देखो, टेलीग्राम का लिंक है। 6 नंबर देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 71, 63, 55 यही दिया है, देखो कितना छोटा लिखा है और बच्चा इसे डर जाता है, ठीक है, ये छोटा सा सीरीज कैसे पुराएंगे, ठीक लेकिन डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लो, हम सिखाएंगे आपको। अब देखो 71, 63 अगर 55 है ना, आप सबसे पहले क्या बताएं, देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है ना, तो माइनस करके देखो कितना माइनस करना होगा, 11 में 3 जाएगा 8 या 6, 63 माइनस 8 हुआ, इसमें कितना करना होगा, फिर वही माइनस 8 हो रहा है, देख लो 13 में 8 जाएगा 5 और फिर इसका 5, अब इसमें भी तो माइनस 8 कर दो, 15 में 8 जाएगा 7 और इसका 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 47, 47 आपका आंसर हो जाएगा, और 47 आपका आंसर ए नंबर है, तो इस तरह से बना सकते हो 6 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अगर इस तरह से बनाते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 10, 16, 25, 37 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्या सोचना है, सबसे पहले देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 में कितना जोड़ेंगे कि 16 होगा, आप यही सोचोगे तो 6 जोड़ेंगे, फिर 16 में कितना जोड़ेंगे 25 होगा, 9 जोड़ेंगे, तो कितना का अंतर हुआ, 3 का, अगला हो सकता है 3 का ही अंतर पर जोड़ा हो, 9, 3, 12 जोड़ेंगे तो यही होगा, 5, 2, 7, 2, 1, 3 हुआ ना, अब हमको 3 इसमें जोड़ के जोड़ दो, 12, 3 कितना होता है 15, 15 जोड़ो, 7, 5, 12 की 2 से 1, 3, 1, 4, 5, 52 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, 52 आपका आंसर है बी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, 8 क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9, 25, 49, 121, 169, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया, शुरू में ही क्वेश्चन मार्क दिया, तो ये देख के बच्चा समझ नहीं पाता है कि अब कर रहे तो कैसे करें, अरे भाई आसान है, हम सिखा देंगे, देखना भी आपको, जब लिख रहे हैं आपको समझ में आया क्या है, कौन सा रूल है, कुछ नहीं सोचना है, जोड़ में, घटाओ में, गुना में, भाग में, स्क्वायर में, क्यूब में, यही सब में सोचना होता है, ठीक है, तो ये तो जोड़ घटाओ गुना भाग में होगा नहीं, देखो नहीं स्क्वायर में है, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर 25, ये क्या है 7 का स्क्वायर, 8, 9, 10 नहीं लिखा है, यहाँ 11 का स्क्वायर लिख रहा है, इसका मतलब 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, इसका मतलब ये ना अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, 13, ओ अभाज्य संख्या देखो हम बोल भूल गए हैं, बता रहे अभी देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर आंसर, अभाज्य संख्या ना 2 से शुरू होता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब क्या है 29, 31, 37, 41, 43, 57, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये सारा का सारा प्राइम नंबर है, ठीक है, अब प्राइम नंबर अगर गिनती करोगे ना तो टोटल कितना निकलेगा जानते हो, 25 तो प्राइम नंबर है, ठीक, और सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है जानते हो 2, और वो एक सम एक ही प्राइम नंबर है, इस तरह से हम बहुत बार पढ़ा दिए आप लोग ये सब प्राइम नंबर, ठीक है, लेकिन फिर भी जब जब टॉपिक आता है हम लिखा देते हैं, बता देते हैं ताकि आप समझ पाए, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से चला है अभाज्य संख्या में, अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो गलत हो जाएगा, इसलिए इस तरह की चीज़ों पर प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या कहता है, जी क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 9, 18, 36, 72, 144 ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इस एकदम आसान क्वेश्चन है, आप खुद बना सकते हो, बना के देखो, नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, 18, 36, 72, 114 है ना, 9,
18, 36, 72, 144 यही है, और क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब क्या करो, इसको देखो गुना करो ना, कितना होता है 9 × 2 = 18, 18 × 36, 36 × 72, 72 × 144, 144 × कितना होता है 288 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 7, 10, 14, 19, 32, 7, 10, 14, 19, 32 ठीक है, ये दिया है। लेकिन जानते हो 32 से पहले ही आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया है, और यहाँ दिया है 32। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, आपको देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो इसको जोड़ के देखो, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 10 होगा 3, 10 में कितना जोड़ेंगे 14 होगा 4, 14 में कितना जोड़ेंगे 19 होगा 5, अब 19 में कितना जोड़ना होगा, देखो 3, 4, 5, तो यहाँ 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 25, तो 25 आपका आंसर है, तो 25 आंसर है सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन, 11, 12, 13, 23 दिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला बता रहे हैं, 11 दिया है, फिर 12, 13, 23, फिर दिया है आपको 23 के बाद ना डैश दे दिया ना, वो मैंने कि वहाँ पे क्या भराएगा, ये क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 23 के बाद दिया है 34, 19, 45, 34, 19, 45, 23 क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, 14, 16, 15, 17। तो देखो आपको ये वाला जो है टर्म ध्यान से देखो, 11, 1, 12, 12, 1, 13, 13 से 23 यहाँ पे बड़ा डिफरेंस भाग गया, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा इस तरह से। तब क्या करना, जब इस तरह का पैटर्न रहे आपको समझ में आएगा, 34, फिर 19 है, 45, फिर 23 है, यानी कि एक बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, इसका मतलब एक काम करेंगे छोड़ छोड़ के, कैसे करेंगे देखना, हम ये सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ अगर देखते हैं जोड़ के कितना होता है, 11 + 2 करते हैं ना तो 12, 13 हो जाता है, ठीक है, और ये वाला अगर हम यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं तो कितना होता है, 11 अगर यहाँ जोड़ते हैं तो 23 हो जाता है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब रही बात कि यहाँ पर क्या हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 जोड़ना होगा, या फिर 4 जोड़ना होगा, या 6 जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा, 13 + 2 जोड़ते हैं तो 15 होता है, और 15 आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, बात को समझना, 15 दिया, लेकिन 15 से जैसे 2 जोड़ते हैं यहाँ 17 नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा ना, अब यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो जा नहीं रहा है 15 × 2 = 17, तो हम सोचेंगे थोड़ा बढ़ाओ इसको, तब यहाँ 4 जोड़ो, ठीक है, तो 17 हो जाता है, यहाँ 17 जोड़े, अब फिर 17 के बाद देखो 2 जोड़ते हैं तो 19 मिल रहा है, इसका मतलब 2 जोड़ा, एक बार 4 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा, फिर अगला जो यहाँ से यहाँ जोड़ा होगा ना, कितना जोड़ा गया जानते हो, 4, ठीक है, देखो 23 मिला कि नहीं, इसका मतलब 17 यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। अब यहाँ पर देखो अगर ये वाला देखते हैं कि 11 से यानी कि हाँ ये तो हो यहाँ से हो गया, 12 से 11 यहाँ जोड़ा, अब यहाँ से यहाँ कितना जोड़ा गया जानते हो, हमको लगता है 11 जोड़ा है, देखो 3 × 1 = 4, 2 × 1 = 3, फिर यहाँ से यहाँ 11 जोड़ा गया, ठीक है, तो इस तरह से चला है 11 जोड़ जोड़ के ऊपर 2, 4, 2, 4, ठीक, इंपॉर्टेंट था इसलिए याद रखना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 22, 4, 26, 8, 30, 12, 34, 16, 38 यही दिया हुआ है, बनाओ देखो बनता है या नहीं बनता है, बन जाएगा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझो कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात 22, 4, 26 हम लिख देते हैं, 22, 4, 26, ठीक है, उसके बाद दिया 8, 30, 12, 8, 30, 12, 34, 16, 38, 34, 16, 38 यही दिया है, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया वहाँ पे, ठीक है, ऐसा। अब देख लो ध्यान से, ये हुआ क्या, इसके साथ क्या करेंगे हम, यहाँ से देखते हैं कि 4, 8 ये जो चल रहा है ना, ये अपना सीरीज चल रहा है, इसमें 2 सीरीज का काम कर रहा है, इसका मतलब ये 22 से 26 अपना एक सीक्वेंस चलेगा तो कितना जोड़ेंगे 4, ठीक है, 26 से 30 कितना जोड़ना होगा 4, 30 से 34 कितना जोड़ना होगा 4, और 34 से 38 कितना जोड़ना होगा 4, ऐसा जोड़ना पड़ रहा है। और ये वाला जो, अब देखो अगला अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो एक छोड़कर, तो ये वाला तो आंसर देगा नहीं, 4, 4 वाला ये आंसर देगा, 4 से ये 8 जाने के लिए कितना जोड़ना होगा 4, ठीक है, 8 से 12 4, 12 से 16 4, और 16 से 4 जोड़ोगे तो क्या होगा 20, ठीक है, आंसर हो गया। अब कहोगे सर आप आसान सब बता रहे हैं, अरे भैया ये सब पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, हम क्या करें, यही सब पूछा हुआ है क्वेश्चन में ही इस तरह का आया हुआ है, ठीक है,
तो आंसर बिल्कुल आसान है निकालना, इस तरह से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 3, 12, 39, 120, 125, ठीक है, 3, 13, 3, 12, 39, 3, 12, 39, 120, 125, ठीक, क्वेश्चन मार्क है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाओगे? आपको ये सोचना है कि 3 से जो 12 हुआ है ना, ये कैसे गया होगा। हो सकता है ये गुना करके 3 चौक 12 गया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि सर गुना 3 गया हो प्लस 3 गया हो 12, ऐसा गया हो। तो हमको ऐसा इसलिए मिला क्योंकि हम यहाँ पर देखे थे 3 चौक 12 करते तो बड़ चौक 48 नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि 12 3 36 और 3 39, इसका मतलब गुना 3 और प्लस 3 सब में होना चाहिए। यहाँ पर देखो 39 गुना 3 प्लस 3 करो तो 9 3 18 और 3 21, यहाँ पर 120 दे दिया है ना, सॉरी 9 3 27, देखो कितना बड़ी मिस्टेक है, 9 3 27 3 20, ठीक है, फिर भी गलत, 30 30 की 0 असल 3 3 3 9 3 12। अब यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं ना, यहाँ पर गुना 3 और प्लस 3 करो तो 12 3 36 360 3 63, यहीं पे गलत दे दिया, 363 होते हैं, ठीक है, 363 होता है, यहाँ पे गलत खोजना है क्या, ये सीरीज दिया है भाई, या 363 होगा, हो सकता है वो गलती खोजना हो, लेकिन इसका देखो एक्सप्लेनेशन में अगर ये बात करें ना, तो ये बोल दिया है कि इसको रेलवे बोर्ड से अलग कर दिया ये क्वेश्चन, ठीक है, कहा गया साफ साफ, दिखा देते हैं, देखो क्या लिखा है, देखो जबकि श्रृंखला में 363 के स्थान पर 125 दिया गया है, रेलवे बोर्ड ने इस प्रश्न को गलत मानते हुए मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि दिया है 100, 115, फिर दिया आपको क्वेश्चन मार्क, फिर दिया 150, फिर क्वेश्चन मार्क 170, 185, यही दिया है, कैसे बनाओगे इसको। सिंपल सी बात है, आपको ये सोचना है कि यहाँ से यहाँ देखो कितना रहा है, ज़्यादा तो भाग नहीं रहा है ना, ये बहुत ही डिफरेंस इसमें कम है, तो 15 का डिफरेंस हुआ, ठीक, अगला ये कितना डिफरेंस होगा, फिलहाल यहाँ देखो यहाँ कितना का डिफरेंस है, ठीक है, 150, 60, 70, 20 का डिफरेंस है, और फिर यहाँ कितना डिफरेंस है, 15 का, हम समझ में आ गया ना कि 20, 15 हो रहा है, तो इसका मतलब 15 हुआ तो यहाँ 20 का डिफरेंस होगा, और फिर 20 का डिफरेंस के बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 15 का डिफरेंस, ऐसा चलेगा, तो 20, 115 और 20 कितना हो जाएगा, 135 आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है, 135 दिया भी ऑप्शन में, तो यहाँ पर 135 हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर 15 जोड़ेंगे तो देखो 135 और 15, 150, फिर 20 जोड़ेंगे तो 170, तो इस तरह से बना सकते हो 14 नंबर भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, 15 क्वेश्चन रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 5, 11, 19, 29, क्वेश्चन मार्क है, 55 और 71, इस क्वेश्चन का सॉल्व करके आप हमको आंसर करो जल्दी से। देखो सवाल कैसे बनाएंगे, 5, 11, 19, 29 है, 5 है, 11 है, 19 है, 29 है, 29 के बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 55 दे दिया है, और फिर 71 दिया है, कैसे बनाओगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिफरेंस तो भाग नहीं रहा है, हमको ये सोचेंगे कि कितना जोड़ना पड़ा इसमें, 5 में कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाए तो 6 जोड़े, फिर इसमें कितना जोड़े कि 19 हो जाए तो 8 जोड़ दो, ठीक है, तो 6 2 8, अब हो सकता है इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 6 8, देखो 2 2 का डिफरेंस है, 2 इसमें जोड़ दो, 8 8 2 10, 10 के बाद यहाँ कितना जोड़ना होगा, ठीक है, 10 के बाद 12 जोड़ो, तो 9 2 11 कितना होता है, 9 10 11, हाँ सिल 1 2 1 3 1 4, 41 आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर 41 है, इस तरह से बना सकते हैं, 15 तक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसको आप लोग कमेंट करना, देखते हैं कौन कौन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है कि 3, 4, 9, 16, 27, 64, 81 क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बना के कमेंट करो, देखते हैं किसमें है दम, लेकिन जिससे नहीं बनेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, पार्ट टू का जरूर देखना, या प्लेलिस्ट में जाना, सीरीज का प्लेलिस्ट बना के तैयार कर रहे हैं, और वहां पर सारा क्वेश्चन एक और से बताएंगे, जितना क्वेश्चन होगा 200, 300, 400 सारा बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन अभी से अभी प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी जारी रखो, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक बने रहने के लिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करना, लाइक से मोटिवेट होते हैं।